जिंदाबाद चीन पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें जी हम जा रहे हैं अभी इंशाल्लाह। हाँ चंगा जी सलाम अलैकुम। चंगा जी हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए एक और बेहतरीन पेशकश बाय अब्दुल मलिक फरीद साहब। बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है। उनका मुकम्मल वीडियो तो नहीं है ये उनका एक दिन का वीडियो है जब उन्होंने पूरा दिन मीना में बिताया। पूरा उस दिन का जो उन्होंने खेमे दिखाए थे ना, मीना में पहले रुके थे, फिर उसके बाद आराफात में गए थे, फिर वहाँ के खेमे दिखाए। माशाल्लाह बड़े प्यारे खेमे थे वहाँ के भी, एंड यहाँ के भी बड़े प्यारे थे। बहुत सही था, मतलब है ना, एकदम फर्स्ट क्लास चीज़ थी। हर जगह पर खाने की कोई दिक्कत नहीं, सोने की कोई दिक्कत नहीं, है ना, खाना पीना जो चाहिए सारा कुछ है। एंड अल्लाह का घर है यार, ऑब्वियसली हर चीज़ की मुहैया तो ऑब्वियसली होगा। एंड तो अभी देखने वाला सीन है कि क्या होगा। बट हमें जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार है ना, जो इन्होंने बोला था, इन्होंने इतनी बार बोला है भाई पूरा मुकम्मल वीडियो डालेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ, तो मुझे उसका इंतज़ार है जो ये पूरा मुकम्मल अपने हज का वीडियो डालने वाले। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सुबह के 4:15 ये क्या है? हाँ ये टूथब्रश दाढ़ी वीडी बनाने का सारा कुछ दिया है। भाई पूरा दिखा रहे फजर के बाद थोड़ी देर के लिए सो गए थे, अब उठ गए हैं दोबारा 8:30 तक आए हैं और अभी नाश्ता करते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है। ये भाई के पास नाश्ता है और सब लोग सो रहे हैं इसलिए ये जाके देते हैं। तो फिर ऐसा समारा दिन या समारा, इनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें ब्राउन ब्रेड दे और आज देखते हैं है क्या इसके अंदर। शुक्र है। सुबह का टाइम हो रहा है, थोड़ा मुंह वगैरह धो के आते हैं, हाथ हाथ धो के आते हैं, फिर करते हैं नाश्ता रख दिया है लेकिन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आ गया हूँ मैं अभी वापस, थोड़ा सा फ्रेश होके दोबारा से, क्योंकि रात को थोड़ा देर से सोते हैं हम लोग। 11 तो आराम से बज जाती है, कभी कभी 12 भी बज जाती, तो इसलिए रात को तकरीबन 4 घंटे मिलते हैं सोने के। फिर फजर के बाद दोबारा दूसरी शिफ्ट लगाते हैं सोने की। और आज जुम्मे का दिन है, हम लोग सफ़र पे हैं, हज पे आप होते हैं तो ऐसे ही समझें सफ़र पे होते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे जुम्मे की नमाज़, नहीं बल्कि जोहर की नमाज़ पढ़ेंगे कसर। तो जोहर की नमाज़ कसर पढ़ के यहाँ से हम लोग निकलेंगे, जाएंगे जमारात को कंकरियाँ मारेंगे और फिर वहाँ से घर चले जाएंगे। तो आज की पूरे दिन की रूटीन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज हमेशा की तरह हमारे नाश्ते में एक तो ये पार्सल है, इसमें एपिटाइजर्स होते हैं, मतलब हल्का फुल्का सामान होता है इसमें। इसको रुक करें साइड पे। इसके अंदर यहाँ पर स्पून टिशू वगैरह और ये क्रूसॉन होता है, इसमें शहद मुरब्बा अलावा बटर जैतून ऑयल चीज़। इसको रखें साइड पे और देखें इसके अंदर मेन आइटम क्या है। ये वही है ना? ओ इसमें दाल और यहाँ पर ऑमलेट बना हुआ और ये छोटी सी जगह खाली है, इसको खाली नहीं छोड़ना, हमने खाली नहीं छोड़ना, उसको चीज़ डाल देना उसमें। शहद इसके ऊपर डाल रहे हैं, जुगना शहद के साथ बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी शहद नाश्ते में खाना काफ़ी अच्छा है, हेल्दी भी होते और आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है इससे। और हेल्दी फैट तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए जैतून का तेल, इसमें जैतून का तेल थोड़ा सा दाल के ऊपर डाल देते हैं। अभी अपने खेमे से निकल के जा रहा हूँ दोस्त के खेमे में, वहाँ पर कॉफ़ी पीते हैं चाय पीते हैं
थोड़ी उसके साथ गपशप लगाते हैं और फिर उसके बाद आएंगे वापस इंशाल्लाह। और जोहर की नमाज़ भी हो जाएगी तब तक, फिर जोहर पढ़ के हम लोगों ने जाना है इंशाल्लाह वापस मक्का अपने अपने घरों को। हज कंप्लीट हो चुका है। मैं आपके साथ पश्तो बोलने की कोशिश करता हूँ, आप इंग्लिश बोलते हैं। पश्तो कंप्लीट आती जो नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? जितनी आती है उतनी तो बोला करो यार। कॉफ़ी रोड क्या मतलब? कॉफ़ी रोड रोड़ा का मतलब है कॉफ़ी खाओगे? हाँ काफ़ी ले आओ। काफ़ी ले आओ काफ़ी पियोगे तो क्या कैसे कहेंगे? कॉफ़ी स्की। काफ़ी स्की यानी पियोगे। और खाने को कॉफ़ी खाने की चीज़ तो नहीं है? नहीं कोई और चीज़ खाने की? रोटी। किसी का माल खाना? माल नहीं खाते अभी आज की। रोटी खुरे। रोटी खुरे अच्छा रोटी खुरे कॉफ़ी इसके। मैं कॉफ़ी इसके इंशाल्लाह। ज़ा कॉफ़ी इसकम। तड़े मशे कौन बोलते हैं? तड़े मशे नहीं है, तड़े मशे एस। इस तड़े मशे इस नहीं तड़े मशे। तड़े मशे मतलब है यानी पखेर रावले यानी वेलकम। अच्छा यानी वेलकम पखेर रावले। अच्छा आप सेफ्टी इंजीनियर हैं? ये सेफ्टी ऑफिसर। मैं सेफ्टी फायर फाइटिंग एंड सेफ्टी कंसल्टेंट। ये फायर फाइटिंग एंड सेफ्टी कंसल्टेंट होने के बावजूद अपने पत्थर जो हैं टिश्यू में रखे हुए हैं बताएं? नहीं जाना है इसके अंदर। अच्छा ऐसे और ये हो जाएंगे ऐसे बंद चमड़े का बैग सेम हो गया। हाँ ये बात सही है। ये इस तरह का पाउच इन्होंने दिए है गुथली बना के दिए। इसके अंदर हैं शैतान के लिए पत्थर उसको मारने के लिए। यहाँ पर हमारे दोस्त चाइना से हैं अली इनका नाम है। और ये हमारे भाई हैं इब्राहिम। वालेकुम सलाम। ये भी चाइना से हैं। पाकिस्तान और यहाँ पर हमारा आखिरी खाना आज मीना में हमारे भाइयों के साथ इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी में मुलाकात हो जरूर इंशाल्लाह। आमीन। चलें जी आखिरी खाना खाते हैं। आज के खाने में हमारे पास है मदगूत, इसको मदगूत कहते हैं। और यहाँ पर हमेशा यही चलता है कि आप ना अपने दस्तरखान पे डाल के ही खाते हैं सुकून से। चलें जी बिस्मिल्लाह। चंगा जी अल्लाह दे हवाले दे गलती कोई भी पता ही है जिंदाबाद। चलें जी हम जा रहे हैं अभी इंशाल्लाह। हाँ चंगा जी सलाम। चंगा जी हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी शैतान को कंकर मारेंगे जमरात और उसके बाद फिर जाएंगे घर इंशाल्लाह। अब निकल रहे हैं खेमे से। जोहर की नमाज आज जुम्मा था लेकिन आज जुम्मे का दिन है लेकिन हम लोगों ने दो रकातें नमाज कसर पढ़ी है जोहर की नमाज। क्योंकि जब आप सफर पे होते हैं तो फिर आप कसर नमाज पढ़ते हैं, जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ते, जुम्मे का खुतबा नहीं होता। हालांकि जुम्मे के भी दो रकातें होती हैं लेकिन वो खुतबा होता है तो जुम्मा नमाज होती है। यहाँ से अब हम लोग इंटर हो रहे हैं। ये वाला मैंने पूरा एक्सपीरियंस लाइव भी किया था आप लोगों के साथ, फेसबुक पे मौजूद होगी वीडियो, आप देख सकते हैं जाके। अब जमारात से निकलने के बाद आपको शॉर्ट दूंगा कोई। इस बार हज पे काफ़ी रश है 13 के दिन, वरना दूसरी जो पहले हजें होती थी कम से कम 70% लोग निकल जाते थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है 50% लोग निकले और 50% ही बाकी। देख रहे हैं ये आवाम लगी हुई आखिरी कंकरियां मार रही।
ये देखें, ये है मस्जिद अल बैया, यहाँ पर जमरात के बिल्कुल पास। इसकी स्पेशल पूरी वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, अगर आपने देखनी है देख लेना। अभी हम लोग निकल आए हैं जमरात से, बस ये मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं और आगे अभी जाएंगे घर की तरफ इंशाल्लाह। गाइज़ ये था हमारा रिएक्शन ऑन अब्दुल मलिक फरीद साहब की एक और पेशकश, बहुत बेहतरीन वीडियो था, कल ही उन्होंने डाला था, बहुत ही ऑसम वीडियो था उन्होंने पूरा। अभी मीना का जो कैंप्स थे वो फिर से दिखाया है ना, ऑलरेडी उन्होंने जब वो हज के लिए स्टार्ट किया था उन्होंने जब मस्जिद अल हराम गए थे, फिर वहाँ से वो मीना गए थे ना, मीना के कैंप दिखाए थे उन्होंने, तो सेम वही वापस वहाँ अराफात से वापस यहीं पर आए एंड यहाँ से जमरात गए है ना कंकर मारने के लिए शैतान को, फिर उसके बाद वहाँ से वो अपने घर जा रहे हैं अभी है ना, तो बड़ा सही हो गया। अभी वेट कर रहे हैं हम उनका जो मुकम्मल वीडियो वो आ जाएगा तो वो देखेंगे फॉर श्योर। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक आ वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।